सत श्री अकाल नमस्ते। तो आप दोस्तों, मैं गुरजीत, आप देख रहे हो अपना प्यारा चैनल मिस्टर सिंह ब्लॉग। दोस्तों, बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं कि सर हम ट्रेलर ड्राइवर में आए या किसी और काम में आए। तो बहुत दिन से मैंने भी कोई वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन दी जाए जो नए लोग जो यहाँ आना चाहते हैं उनके काम आए। दोस्तों, मैं एक मस्तौदे में गाड़ी खाली करने आया हूँ। यहाँ पर टायर उतरते हैं, ये देखिए पीछे मेरी गाड़ी लगी है, टायर उतर रहे हैं। और यहाँ पर जितनी भी लेबर है, ये देखिए जो लड़के इधर ये टायर वगैरह उतार रहे हैं, ये सब रेंटल कंपनी के थ्रू आए हैं लेबर वीजे पे। ये होता क्या है कि अगर आज इस कंपनी में 2-3 महीने के लिए 100 लेबर इधर आ रही है, तो हो सकता है कि कंपनी का काम कम हो जाए और इनमें से 50 लोग फिर किसी और कंपनी में जाए। यानी कि जो इनकी कंपनी है, जिस कंपनी ने इनको बुलाया है, उनका काम यही है कि आगे कंपनियों को लेबर दे। आज अगर 1000 लेबर किसी कंपनी में जा रही है, अगर वो कंपनी कह दे कि नहीं मेरे को 500 लेबर ही चाहिए, तो 500 जो बंदा उधर जाएगा, जो 500 उसमें से बचा है वो फिर किधर और एडजस्ट किया जाएगा। यानी कि पक्का नहीं है कि एक ही कंपनी में काम मिलेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से रेंटल वीज़ा होता है। और ये देखिए मेरे पीछे ये जो स्क्रीन ऑपरेटर है, ये सब भी रेंटल वीज़ा पर ही आए हुए हैं। रेंटल वीज़ा पे ड्राइवर भी मंगाती है, हैवी ड्राइवर भी मंगाती है, और जो डायना चलाने वाले होते हैं वो ड्राइवर भी रेंटल वीज़े पर आते हैं, रेंटल कंपनियां मंगवाती हैं। अभी कल मेरी एक अलजीरी कंपनी का ड्राइवर था, उसको 2 साल होने वाले हैं, तो उस व्यक्ति ने मेरे को बताया कि मैं रेंटल कंपनी समास्को के थ्रू आया हूँ, वीज़ा मेरा अलजीरी का ही लगा है, लेकिन यहाँ आके पता चला कि मैं समास्को कंपनी के थ्रू आया हूँ और काम मैं अलजीरी कंपनी में कर रहा हूँ। तो भाई, मैं तो सबको यही कहता हूँ कि अगर आपके पास हैवी लाइसेंस नहीं है, अपना हैवी लाइसेंस बनाएं और थोड़ी प्रैक्टिस करें। ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर ही भले आप प्रैक्टिस करें और हैवी ड्राइवर के पीछे पर ही आएँ। अब ये देखिए लोग कितनी मेहनत करते हैं, इतने भारी भारी इनको ये कम से कम 10-12 कंटेनर उतारने पड़ते हैं 40-40 फीट के, कितना भारी काम है। और सैलरी कितनी है, सिर्फ 1000 रियाल, उसके ऊपर ना कोई ट्रिप है ना कोई ओवर टाइम कभी कभार लगता है, क्योंकि रेंटल कंपनी है। तो मेरे भाई, यहाँ पर आके फंसने से अच्छा है कि आप लोग ड्राइवर के पीछे में आएँ और भी हैवी ड्राइवर में आएँ और छोटी कार के हाउस ड्राइवर में मत आएँ। क्योंकि अब क्या हो चुका है, अब इधर लेडीज़ पहले क्या था, गाड़ी नहीं चला सकती थी, लेकिन अब नया रूल बना है जिसमें क्या है कि लेडीज़ भी इधर कार चला सकती है। तो जो हाउस ड्राइवर की वैकेंसी पहले बहुत ज़्यादा आती थी, वो बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि अब लेडीज़ अपनी गाड़ी खुद चला रही है, तो उसमें भी सैलरी इतनी नहीं होती। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये कंटेनर से टायर उतार रहे हैं और ये टायर इस तरीके से लगाने पड़ते हैं। ये देखिए पूरे रैंप एक के ऊपर एक ऐसे लगाए हुए हैं टायर्स के, ये तो बड़े टायर हैं, इससे छोटे छोटे टायर्स भी आते हैं। और 40 फुट लंबा कंटेनर होता है, वो पूरा उतारना पड़ता है। देखिए बेचारे लगे पड़े हैं, पता नहीं कब से लगे हैं, इतना भारी काम कंटेनर। वो देखिए सामने मेरी गाड़ी में से तो बहुत बड़े बड़े टायर उतर रहे हैं, ये तो और भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो भाई, मैं तो सभी भाइयों को यही सलाह दूंगा कि भाई अगर आप रेंटल कंपनी में आ रहे हो, तो आप एजेंट से पहले अच्छी तरीके से पता करें, कोई रेंटल कंपनी तो नहीं है, रेंटल कंपनी के थ्रू आप कहीं ड्राइवर में तो नहीं जा रहे हो, स्क्रीन ऑपरेटर, एक्सावेटर ऑपरेटर में, जिसमें भी आप जा रहे हो, जेसीबी ऑपरेटर में, कि आप किसी रेंटल कंपनी में ना जा रहे हो। वैसे रेंटल कंपनी में कोई बुराई नहीं होती है, लेकिन यह है कि उसमें सैलरी थोड़ी कम होती है और ओवर टाइम का सिस्टम होता है, और ओवर टाइम में आपको पता है कि पैसा नहीं बनता है। जब आप ड्राइवर में जा रहे हैं, हैवी ड्राइवर में, तो उस कंपनी में जाएं जिसकी कम से कम सैलरी 1200 हो और आपका उधर ट्रिप लगे, क्योंकि ट्रिप में जो है पैसा ज़्यादा बनता है। मेरी इनसे बात हुई है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हमारी वीडियो मत बनाओ, तो इस वजह से मैं इनसे बातचीत करके ही वीडियो बना रहा हूँ। तो ये लोग कहते हैं वही हमारी 1000 रियाल सैलरी है, कभी ओवर टाइम लगता है कभी नहीं लगता है। इसमें ज़्यादातर बांग्लादेश के लोग हैं, बांग्लादेश और बर्मा, इंडिया के या पाकिस्तान के लोग बहुत कम हैं। अभी यहाँ पे जितने भी ऑपरेटर हैं जो स्क्रीन चला रहे हैं वो पाकिस्तानी हैं, और जो बांग्लादेश के लोग हैं, बर्मा के लोग हैं, वो इधर लेबर वगैरह ज़्यादा करते हैं। तो इंडिया के लोग तो नहीं जल्दी से आते हैं ये रेंटल वीजे में या लेबर के वीजे में, वो तो टेक्निकल में आते हैं या फिर ड्राइवर में आते हैं। तो मैं तो जितने भी अगर मेरे बांग्लादेशी भाई, नेपाली या जो भी कोई और देश वाला ये देख रहा है, तो भाई आप भी कोशिश करें कि ड्राइवर वीजे पे आएँ, क्योंकि ड्राइवर वीजे में आप 4 पैसा अच्छा कमा सकते हो। और जो मेरे पढ़े लिखे भाई हैं जिसने 12th की हुई है, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आके आप किसी भी कंपनी में अपना लाइसेंस बनवाएं और 2 साल का एक्सपीरियंस लें, उसके बाद आप अच्छी कंट्री यूरोप में या कैनेडा अमेरिका में अप्लाई कर सकते हो। इस समय जैसे कैनेडा में बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स की ज़रूरत है,
और यहाँ से सऊदी से गए भी हैं लोग, तो आप यहाँ पर काम करते करते अपना एक्सपीरियंस दिखा के आप जा सकते हो, क्योंकि इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान या वहाँ से कनाडा का ड्राइवर वीज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और मेरे हिसाब से 80% चांस होते हैं कि आपका वीज़ा ना लगे, 20% भी मैं मानता हूँ जिसकी लक हो। तो यहाँ से क्या है कि यहाँ से आप अपनी जॉब पे काम करते करते कनाडा, अमेरिका या किसी और यूरोप कंट्री के लिए आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, और रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। कुछ मेरे भाई लोग हैं जो कंपनी का वीज़ा, कंपनी जब एजेंट उनको कंपनी बनाता है तो उनको पता ही नहीं लगता है कि कंपनी है क्या। तो मैंने आपको बताया था, मेरी एक वीडियो है, मैं ऊपर लिंक दे दूँगा आई बटन में, आप वहाँ से उसको दबा कर वीडियो देख सकते हैं कि आप कंपनी को किस तरह ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। और कई हमारे भाई लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो मैं उनको बता देता हूँ, जब आप कंपनी की अबाउट में जाते हो, कंपनी की वेबसाइट खोल के उसमें एक अबाउट अस आता है, अबाउट अस यानी कंपनी के बारे में जानकारी कि वो कंपनी करती क्या है क्या है, उस पर क्लिक करोगे, जब उसमें मैन पावर सर्विस इस तरीके से कुछ लिखा हो, ऐसा कुछ लिखा हुआ हो, तो आप समझ लीजिए वो रेंटल कंपनी है, आगे मैन पावर सप्लाई करती है। मैन पावर का मतलब यही होता है कि आगे अपनी लेबर को सप्लाई करना। छुट्टी जा रहा हूँ, अभी दिसंबर में जा रहा हूँ छुट्टी। क्यों, क्या हो गया, तुम कब जाओगे छुट्टी? हाँ कब? एक साल बाद? अभी एक साल हुआ नहीं? हाँ एक साल हो गया, एक साल बाकी है, दो साल में छुट्टी मिलता है। कितने महीने की? 3 महीने का छुट्टी चाहिए यार हमको भी, 2 साल में 4 महीने का छुट्टी, पहले 6 महीने का मिलता था, अभी 4 महीने का छुट्टी मिलता है। अगर ज़्यादा लेना हो तो मिलेगा, लेकिन उसका पैसा देना पड़ेगा। और तुम भाई कितना टाइम हो गया? हमारा 3 साल हो गया। देखा इसको पहली बार है मैंने, इधर इधर नहीं आता है काम पे, तो मैंने पहली बार देखा है, मेरे को देखा है पहले। सब ठीक है, ये पाकिस्तानी भाई है? इंडिया। इंडिया में कहाँ से? इंडिया बिहार से। बिहार का बाबू फाइल। कितना टाइम हो गया? 18 महीने हो गया, 19 महीने में घर जाएगा। अच्छा, 1.5 साल आज जा सकता है, 1.5 साल देगा, 20 महीने में देगा। अच्छा देता है, बढ़िया है। कंपनी तुम्हारी क्या, फ्रेरी? ये तो है। पता है मेरे को, इनिशियल वाले हम जितनी भी कंपनी में जाते हैं अधिकतर इनिशियल वाले ही होते हैं, ये ऑपरेटर जो होते हैं ये भी इनिशियल वाले ही होते हैं, सप्लायर है। नीले रंग की टी शर्ट और इनिशियल लिखा है ना, ये तो नागी दिया है इधर तो। भाई मैं तो भाई लोगों को ये कह रहा हूँ कि भाई आप लोग इधर से जाओ और ड्राइवर वीजे पे आओ, लेकिन अब पता नहीं भाई लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे। क्यों भाई लोग, सही कह रहा हूँ कि मैं कि नहीं? भाई यहाँ पे काम करो 2 साल, आईलेट का पेपर दो और कनाडा जाओ। जाओगे कनाडा? इंशाल्लाह। हाँ बस ठीक है भाई लोगों, ये देखिए बड़े बड़े टायर हैं मेरी गाड़ी में, ये वाले जो ट्रेलर के टायर हैं, बड़े 3XL में लगते हैं ये टायर। अभी मेरी इतनी गाड़ी बाकी है थोड़ी सी, ये आधे घंटे में खाली हो जाएगी। चालीस फीट कंटेनर। तो दोस्तों आज की वीडियो में कुछ इतना खास नहीं था, बस मैं इधर गाड़ी खाली करने आया था, तो मैंने लेबर वालों को देखा तो मुझे लगा कि यार एक वीडियो बनानी चाहिए इनके ऊपर, क्योंकि बहुत दिन से मैंने कोई वीडियो भी नहीं डाली थी, कि वीडियो बन जाएगी और पता भी लग जाएगा कि भैया जो रेंटल कंपनी में लेबर के वीजे पे आते हैं लोग, या ड्राइवर भी आते हैं और ये क्रेन ऑपरेटर भी आते हैं, ये स्किन चलाने वाले भी आते हैं, तो किस तरीके से आगे काम करते हैं, उनकी बस सैलरी होती है, ओवर टाइम कभी लग गया 2 घंटे का नहीं लगा, तो बस यही है कि भाई आओ कंपनी का डायरेक्ट वीजे में आओ, पता करके आओ अच्छे तरीके से, ऑनलाइन चेक कर लो। ऑनलाइन चेक करना आज की डेट में हर किसी को पता है, हर किसी के पास इंटरनेट पैक है, गूगल पे सब सर्च मार सकते हो, कंपनी के नाम से पता लग जाता है, कुछ ना कुछ तो खुलता ही है कंपनी का। और एक ही कंपनी अगर एजेंट बताता है उसके पीछे हाथ धो के मत पड़ जाया करो, थोड़ा वेट करा करो, सब्र करा करो, 3-4 एजेंट के पास जाओ, अपना नंबर दे के आओ, जब भी उनके पास कोई वैकेंसी आएगी वो आपको मैसेज भेजेगा, तो आप चेक करो एक कंपनी, दो कंपनी, 3 कंपनी, जब तक आप सेटिस्फाई ना हो तब तक अपना काम उस कंपनी में मत लगाओ, क्योंकि अभी सऊदी अरब से बहुत सारी कंपनियाँ अपनी वैकेंसी भेज रही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अकाल पड़ गया है या फिर
एक वैकेंसी आएगी जैसे इंडिया में आती है 5 वैकेंसी, तो उसके लिए 2000 लोग अप्लाई करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है भाई, तो जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल देख सवर के आएँ। और हमारा एक टेलीग्राम पे ग्रुप भी है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हो। उसमें भी 150-200-250 लोग हैं और वो हेल्प के लिए ही बनाया गया है। उसमें सऊदी अरब के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो आपकी कोई भी इंक्वायरी है या आपके पास कोई ऐड आती है किसी वैकेंसी की, आप उसमें डाल सकते हो। अगर किसी को पता होगा तो उसका जवाब देगा। बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिसके बारे में हमको नहीं पता होता, या ग्रुप के जो लोग हैं अभी इतने नहीं हो पाए हैं कि उनको पता हो, तो फिर भी जैसे जैसे आप डालते रहेंगे, हो सकता है आप 5-10 वैकेंसी डालें, उसमें से एक आधी कंपनी के बारे में पता हो और अच्छी कंपनी हो और आपको उसका रिप्लाई कर पाएँ। तो दोस्तों, मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये रहता है कि आज जितने भी नए लोग हैं यहाँ पे आके मत फंसे, उनको अच्छी गाइडेंस मिले, क्योंकि जब हमने आना था हमें गाइड करने वाला कोई भी नहीं था। तो दोस्तों, अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में यार ज़रूर बता देना। और आजकल थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है और बहुत ही जल्दी मैं इंडिया छुट्टी जा रहा हूँ। अगर कोई भाई बंधु इंडिया में है और मुझसे मिलना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी जगह का नाम बता दे, क्योंकि अगर मैं उस एरिए में गया तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो हो सकता है हम कहीं बाहर मिल सकते हैं, किसी मॉल में या कहीं पर भी, किसी पार्क वगैरह में। क्योंकि दोस्तों, मुझे भी अच्छा लगता है कि यार जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे को मेरी वीडियो देखते हैं, तो मेरा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि यार मैं उनसे मिलूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली गजब वीडियो के साथ। सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब।